मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ के लाइव में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद है अमृत नगर के पास। आपको बता दें कि यहां पर कल रात में मुंबई थाना समेत तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास बारिश हुई थी और उस बारिश के कारण अमृत नगर में अक्सर देखा जाता है कि नाले भर जाते हैं, रास्तों पे पानी आ जाता है। आखिर क्या वजह है कि अभी तक यहाँ पे मुमरा जो अमृत नगर महाराजा कॉर्नर का जो ये नाला है, इसी तरह मुमरा कौसा में कई नाले हैं, 10 से 12 नाले हैं जो बड़े हैं, और अभी तक आज 9 तारीख है। इस लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखा रहे हैं कि आज 9 तारीख है और 9 तारीख होने के बावजूद भी अभी तक नालों की सफाई नहीं हुई है। ये नाले साफ सफाई करने के लिए यहाँ पे कर्मचारी मौजूद है और कल रात में यहाँ पे बारिश हुई थी मुंबई थाना समेत कई इलाके शहरों में। तो आपको बता दें कि इस बारिश के कारण जो नाला है वो भर जाते हैं, जब सफाई नहीं होती नाले भर जाते हैं और नाले भरने की वजह से जो आसपास की जो ये इमारतें हैं, जो नीचे दुकानें हैं, वहाँ पे पानी भर जाता है। इस तरीके की शिकायत लगातार यहाँ के प्रतिनिधि करते रहते, लेकिन आखिर क्या वजह है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक यहाँ पे नाला सफाई नहीं की गई है। आपको दिखा रहे हैं आज 9 तारीख है और 9 तारीख को के दिन इतना सारा कचरा इस नाले में अभी पड़ा है और अभी ये सफाई हो रही। आखिर ये सफाई जो TMC की तरफ से हमेशा आदेश दिया जाता है कि 31 मई तक ये पूरी तरीके से सफाई हो जानी चाहिए, मगर उसके बावजूद भी अभी तक TMC की ओर से सफाई नहीं की गई है। रात में थोड़ी बारिश हुई और रास्ते पे कचरा जमा हो गया। हम आपको ये लाइव के माध्यम से खबर दिखा रहे हैं। इस तरीके की तकरार लगातार यहाँ पे लोग करते रहते हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अभी तक नाला सफाई नहीं हो पा रही है। अगर तेज़ बारिश होती है तो नाले भर जाते हैं और रास्तों पर पानी चला आता है। इस तरीके की हाल इस शहर का है। इसी ताल्लुक से पिछले महीने भी हमने इसको लेकर यहाँ पर जो MIM के जावेद सिद्दीकी है, जो अक्सर मुमरा कौसा शहर की समस्याओं को लेकर वो पत्र व्यवहार करते रहते हैं, उन्होंने पत्र भी दिया था कि जल्द ही नाला सफाई होनी चाहिए, लेकिन नाला सफाई अभी तक नहीं की। आज देख सकते हैं किस तरीके से नाला सफाई की जा रही है। इस मौके पर हम जावेद सिद्दीकी से ही बात करेंगे। जून महीना शुरू हो चुका है, आज 9 तारीख आ गई है, तो क्या ये पूरी पीक पर बारिश आने का इंतजार कर रहा है प्रशासन? आ जाओ बारिश खड़े हो जाओ और फिर नाले भरे। भाई एक बार फिर जावेद सिद्दीकी से बात करेंगे हम इसी ताल्लुक से। खड़े हो जाओ जावेद भाई। एक महीना पहले खबर चलाई थी हमने कि नालों की सफाई अगर नहीं हुई बराबर से शहर में तो इसी तरह का हाल हो जाएगा जी। लेकिन अब एक बार फिर हम उसी जगह पर खड़े हुए हैं और वही ढाक के 3-5 वही हाल है। हर साल नालों की आखिर सफाई में इस तरह से देरी क्यों होती है? क्या प्रशासन आखिर चाहता क्या है शहर में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। दोस्तों नमस्कार। देखिए हर साल यहाँ पे जब भी बारिश थोड़ी सी होती थी ये रोड भर जाता था, ये जनता को पता है। इसके लिए इस बार में जनता ने 6 महीने पहले से तकरार मुझे कर रहे थे कि जावेद भाई ये जो नाला है, जो दारुल बला के मस्जिद के ये नाला बना हुआ है आज तक साफ नहीं, उसके अंदर पूरी मट्टी भरी है, और ये देखो ये जो नाला गया है ये आगे तक ये पूरा भरा हुआ। तो हमने जो है महाराष्ट्र शासन को एक तकरार किया था कि करोड़ों रुपया जो आप निधि देते हैं मुमरा शहर के लिए जो करोड़ों रुपया निधि दे रहे हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इस पर आप जाँच करें। और इसके ऊपर बारिश से पहले जो गटर है, नाले हैं, उसको सही तरीके से साफ करना चाहिए। इसलिए उसके बाद में हमने 1 महीने पहले आप लोगों को यहाँ बुला के बताया भी था कि ये नाला का जल्द से जल्द साफ होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाला साफ होना चाहिए थे मई के महीने में, ये जून जब बारिश है तो अभी वो लोगों के ऊपर ऑर्डर आया है तो चालू हुआ। लेकिन ये हर साल यहाँ के लोगों को ये तकलीफें जो दी जा रही है जानबूझ के दी जा रही है। तो मेरी ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर को और उस ठेकेदार को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये सही तरीके से नाला जो मस्जिद है दारू भला की यहाँ से लेके वो कॉर्नर जहाँ से पानी का डिवाइड हुआ है जो खाड़ी में गया है, सही तरीके से अगर
साफ नहीं होगा तो उसके लिए मैं जो ठेकेदार को जो साइन करेगा कि हाँ यहाँ पे काम हो गया है उसके विरुद्ध मैं कार्रवाई कराऊंगा, और ये काम अगर नहीं होगा वो ठेकेदार का पैसा जो है रिलीज नहीं होने दूंगा। जब तक ये तकलीफ हमारे शहर की ख़त्म नहीं होगी, यार आए दिन ये साला हर साल प्रॉब्लम, पूरा शहर में पानी भर जाता है, इसके लिए आवाज़ उठाएगा तो कौन। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों की तकरार के ऊपर हमने जो है बारिश से पहले तकरार किया, अभी जो वर्क आर्डर आया है, जो नाला सफाई करने वाले को जो दिया गया है, उससे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो सही तरीके से काम करे। ये ना सोचे कि पिछले 5 साल 10 साल पास जैसे चल रहा था कि बारिश आएगा कचरा बह जाएगा कोई कुछ नहीं करेगा, इस बार मट्टी के साथ में पूरे गटर नाला को निकालना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सही कुछ साहबी लोग हैं मुमरा में, जो मुमरा के जनता को ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर आप लोग हर जगह में पहुंचते हो, जो गलत है उसके ऊपर आप टिप्पणी करते हो और अल्हम्दुलिल्लाह काम होते। आपको पता होना चाहिए कि 1 महीना पहले आप लोगों ने न्यूज़ चलाए थे और वो लेटर जो महाराष्ट्र शासन से आया था वो भी हमने जागृत किया था, लेकिन काम तो चालू हुआ, लेकिन हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि ये काम सही तरीके से हो, वो ठेकेदार का डर हो कि सही तरीके से ये नाला साफ होना चाहिए। और दूसरी बात अहम ये है, जो धरावी और ये साइन बनाया गया है, ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को सही तरीके से टोरंट कंपनी हो चाहे MSCDCL हो इसको बराबर से बनाना चाहिए। ये नहीं कि पानी की लाइन वहीं पे डाले हुए है, ये नहीं कि लाइट का जो है केबल वहीं पे डाला गया है, तो जब बारिश होएगी कचरा आएगा तो उसमें फंसेगा, तो इसको सही तरीके से आने वाले दिन में TMC प्रशासन इसको काम करे। ये नहीं वो नेता आके बोले कि मैंने प्रशासन से 3 करोड़ रुपया लाया, अरे गया कहाँ वो करोड़ रुपया, जो करोड़ों रुपया आया वो गया कहाँ, वो जनता पूछ रही है और जावेद सिद्दीकी पूछ रहा है। इंशाल्लाह अगर शहर में इस बार पानी भरा, इंशाल्लाह ये जो ठेकेदार को ठेका दिया गया है सही तरीके से काम नहीं करेगा उसका जो है बिल जो है मैं रुकवाऊंगा। इतना तो मैं दम रखता हूँ, दावा करता हूँ कि जनता को जो तकलीफें नहीं होना चाहिए। अभी आपने सुना किस तरीके से जावेद सिद्दीकी ने यहाँ पर कहा है कि उसके लिए पत्र व्यवहार उन्होंने 1 महीना पहले किया था और पत्र व्यवहार के बाद भी यहाँ पे काम शुरू नहीं किया गया। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से शहर का हाल है, थोड़ी सी बारिश में रोड पर पानी जमा हो जाता है लगातार। यहाँ पर ये सामने आपको बता दे कि अभी कुछ ही दिनों बाद यहाँ स्कूल भी है होली फातिमा, और कुछ दिनों बाद यहाँ पे स्कूल भी शुरू होने वाली है, और इस तरीके से यहाँ पे रहेगी कि इस तरीके की समस्याओं को आपके सामने लाए। और ये हाल है इस शहर का, आज 9 जून है और अभी तक नाला सफाई नहीं की गई है, इसको लेकर आज यहाँ पर जावेद सिद्दीकी जो MIM के पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस मौके पर हमने उनसे बात की। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए हम रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।